Today is the last class of basic astrology, and we'll have to understand Kepler's laws of planetary motion in it, and then we'll go further. So first law is first law is all the planets move around star, whereas star is at one of the foci. इसका क्या मतलब है? This is elliptical orbit. So every elliptical orbit has two focus. Like circle has a center. Same way it also has two centers. And for example, this is Earth. And this is Sun. So Sun is the star, Earth is the planet. So Sun can be on one of the foci, either here or there. इसका क्या मतलब हुआ कि जो Earth है, it will come close and then go away. पास आएगी फिर दूर जाएगी. But this also doesn't hold true for star and the planet relationship. It also holds true for planet and satellite relationship. तो जैसे इधर अर्थ होगी और इधर मून होगा, तो वो भी मून भी पहले पास आएगा फिर दूर जाएगा. जितने भी मून्स होंगे, अर्थ का तो एक है लेकिन बाकी वो जाएंगे. ये है पहला केपलर लॉ. दूसरा केपलर लॉ है प्लैनेट्स स्वीप equal area in equal time interval. क्या मतलब हो गया कि एक ही टाइम में जो प्लैनेट्स हैं इक्वल एरिया स्वीप करें. मतलब जैसे ये अर्थ है और ये एक टाइम है, जैसे ई वन इसका पोजिशन है, ई टू पोजिशन है, तो कितना एरिया इसने स्वीप किया इतना. तो इतने ही टाइम में, से दिस टाइम इज टी, बट यहाँ भी टाइम टी है. अगर अर्थ यहाँ है ई थ्री पे और ये ई फोर पे, तो इतना टाइम टी और यहाँ भी समझ लीजिए टी, तो दिस एरिया will be equal to this area. That means जो planet है वो जब पास आएगा star के तो वो तेज घूमेगा और जब दूर होगा तो वो slow हो जाएगा. ये दूसरा law. Third law है कि जितना planet दूर होगा, दूर होने का मतलब ये है कि एक है planet ही Earth, Jupiter ज़्यादा दूर है जैसे Sun से, Earth पास है, तो जितना रेडियस है प्लैनेट का टाइम उतना बढ़ता चला जाएगा. मतलब रेडियस है आर, तो टाइम जो है ज्यादा बढ़ जाएगा. मतलब अर्थ की जो रेडियस एक तरह से कह सकते हैं कम है, लेकिन जुपिटर की उससे भी ज्यादा है, तो जुपिटर और भी ज्यादा टाइम लेगा. तो आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब. मर्करी पास है तो ज्यादा फास्ट होगा, वीनस उससे दूर है वो और स्लो हो जाएगा, तो अर्थ जो है और स्लो हो जाएगी, और जितने दूर है वो और ज्यादा स्लो होते चले जाएंगे. तो ये तीन लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है. ये भी यूज होंगे आगे हम जब इसको समझेंगे. दूसरी चीज समझनी है मोशन ऑफ अर्थ.
तीन मोशंस है अर्थ की रेवोल्यूशन, रोटेशन एंड थर्ड इज आयनांश, आयनांश या बॉबलिंग। तीन अर्थ की मोशन है पहले डिस्कस की थी मैंने, एक रिवोल्यूशन राउंड द सन, एक रोटेशन ऑन द एक्सिस एंड वन इज वॉबलिंग। अब रेवोल्यूशन को समझते हैं जरा। जैसे ये सन है और ये अर्थ जो है इंक्लाइंड है सन की तरफ, तो आप ये देखेंगे कि कोई आदमी अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है अर्थ के मतलब नियर टू द इक्वेटर, तो सन जो है उसके हेड पे आ जाएगा, ओवर हेड आ सकता है जो आफ्टरग्लो के, और जब वो आदमी इस तरफ आए मतलब इसी तरफ ही खड़ा है और अर्थ रोटेट कर रही है और इस तरफ आ जाएगा तो वो ऐसे खड़ा है। तो अब क्या हुआ कि उसको रात नजर आएगी, मतलब सन नजर नहीं आएगा तो रात आएगी। अब दूसरा देख लेते हैं, ये जैसे एक आदमी जो नॉर्थ पोल पे खड़ा है उसके लिए क्या होगा कि अर्थ ऐसा है, ऐसी सिचुएशन पे अर्थ में खड़ा है कि सन उसके ओवर हेड पे नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ये रोटेट होगी जब अर्थ तो वो यूं ही इधर ही खड़ा रहेगा, इधर ये इसका सबसे नियर पॉइंट है सन के, ये इसका सबसे फार्देस्ट पॉइंट है। तो फार्देस्ट पॉइंट होने पे भी सन जो उसके ऊपर नहीं आ सकता और उसको सन हमेशा दिखेगा। जब अर्थ बिल्कुल इस जगह पे है इसका मतलब है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इस पे समर्स रहेंगे। समर का मतलब आप देखिए ये, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज हो गया और ये एक्यूट हो गया, तो इधर डे हाफ बढ़ जाएगा और जितना आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे डे बढ़ता चला जाएगा, और अगर नॉर्थ पोल के बिल्कुल पास है तो हो सकता है कि नाइट ना हो और सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक हैं, यहाँ खड़े हैं और यहाँ तक आप आते रहेंगे क्योंकि अर्थ रोटेट करेगी तो आपको सन की रेंज जो है वो दिखाई नहीं देगी, यू नॉट बी एबल टू सी, सो इट विल बी विंटर्स इन दी सदर्न हेमिस्फीयर एंड समर्स इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर जब अर्थ इस तरफ आ जाएगी तो बात बदल जाएगी, जो सदर्न हेमिस्फीयर में इट विल बी समर्स, जो आदमी यहाँ खड़ा होगा कोई आदमी यहाँ खड़ा होगा और अर्थ रोटेट कर जाएगी तो उसको सन हमेशा दिखेगा और जो आदमी यहाँ खड़ा होगा समझ लीजिए उसको सन नहीं दिखाई देगा फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ डेज, यू कैन से वन मंथ और टू मंथ समथिंग लाइक दिस, डिपेंड्स कि वो लेटिट्यूड उसका कितना है कहाँ पर। तो यहाँ पर फिर समर्स हो जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में और इधर विंटर्स हो जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक चीज और समझने वाली है, ये जो हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन को देख रहे हैं कि इसके अंदर एक इंक्लिनेशन हो रहा है, इंक्लिनेशन से समर्स और विंटर्स समझ में आता है। और भी चीज समझ में आएगी, जैसे अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर दूंगा तो आपको समझ में आएगी कि अगर जैसे दो रेज हैं, एक रे यहाँ गिरेगी और एक रे यहाँ गिरेगी राइट, तो बहुत जगह ज्यादा स्पेस पे पड़ेगी वो अर्थ के, और इतनी ही जगह पे अगर सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कम एरिया पे पड़ेगी, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी।
फर्दर समझने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी मेरी ड्राइंग भी ऐसी है, स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इधर से देख लेंगे ये इतने एरिया में गिर रही है और ये छोटा एरिया में गिर रही है जो ये, और जो चीज समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है अर्थ का ये ज्यादा है, और जब अगर आप इक्वेटर से दूर हैं तो सर्कमफ्रेंस कम है। तो रिपीट करता हूँ, जैसे अगर हम इक्वेटर के पास खड़े हैं तो ये सर्कमफ्रेंस अर्थ का ज्यादा, और अगर इक्वेटर से ऊपर खड़े हैं तो सर्कमफ्रेंस घटता चला जाएगा। जैसे संतरा देखिए बिल्कुल उसके मिडल में होंगे तो सर्कमफ्रेंस ज्यादा, ऊपर है तो सर्कमफ्रेंस कम है। इसका क्या अर्थ है कि ऊपर आप समझें कि जोडियक है, जोडियक है तो इक्वेटर को तो पूरा उसने घेर लिया, लेकिन ऊपर जो सर्कमफ्रेंस ऊपर जो कम है वहां पर वो किस तरह से घेर पाएगा, और थोड़ा टिल्ट भी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि जैसे हमने पहले लगन चार्ट बनाया था, जैसे इसका क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी पर फर्क पड़ेगा इस एस्ट्रोनॉमिकल चीज का, कि जैसे हमने कोई हॉरोस्कोप बनाया या लगन चार्ट पहले बनाया था तो हम क्या कहते थे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लगन चार्ट बनाया था, तो इसमें हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जैसे ये सेवंथ साइन है तो ये राशि है, ये फर्स्ट हाउस है। अगर हम ये सपोज करके चलते हैं तो इसका मतलब होगा कि अगर राशि है तो हाउस भी बराबर है, बोथ आर ऑफ 30 डिग्रीज। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मैंने जैसे आपको समझाया कि अर्थ का टिल्ट सर्कमफ्रेंस इक्वेटर के दूर होने पर और कम हो जाना ये, और साथ में इलिप्टिकल जो बात है अर्थ का सन के आसपास, इस वजह से समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं कि जो हाउस है और जो साइन है ये 30-30 डिग्री का नहीं होगा, एक के ऊपर कहने का मतलब एक के ऊपर टोटल ओवरलैप करेगा ये पॉसिबल नहीं होता। तो एक और हॉरोस्कोप बनता है, इसको कहते हैं चलित। जैसे इसको हम लगन चार्ट कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेरायन भाव चरित। मेरायन भाव चरित में क्या होगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो उधर नहीं रहेंगे जिधर प्लैनेट्स उधर नहीं रहेंगे जिधर इधर नजर आते हैं। उस रीजन क्या होगा कि जैसे हाउस जो है वो अगर छोटा हो गया और साइन तो 30 डिग्री का है, तो ये मान के चलेंगे जैसे कि ये समझ लीजिए साइन है और ये हाउस है, नाउ दिस इज से स्मॉलर और इसके ऊपर ओवरलैप नहीं है या ऐसे ओवरलैप है एग्जैक्टली, तो इस पे दो प्लैनेट है, तो ये हो सकता है कि एक तो प्लैनेट इसी हाउस पे रहे, एक प्लैनेट दूसरी जगह पर चले जाए, इसको हम दूसरे हाउस में जाए, इसको हम बनाना भी सीखेंगे बाद में, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मार्स अगर यहाँ है तो सैटर्न यहाँ हो सकता है, तो सैटर्न की पोजीशन चेंज हो सकती है, मून की पोजीशन चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये हाउस चार्ट है कि प्लैनेट कहाँ पर है तो हाउस कहाँ पर होगा। अब इसके अंदर जो है जितने भी प्लैनेट जो आप फोर्थ में देख रहे हैं ये सारे जो है ये थर्ड हाउस में चले गए, जुपिटर रिमेंस देयर, उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केतु
बदल जाता है। इसको अगर साफ नहीं करो इसके बाद की चीज हमने एक्चुअली पहले पढ़ी हुई है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था मेरे को इस क्लास के अंदर, इट मींस व्हाट बनाना है इसको हम आगे सीखेंगे। कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि ये चलित है क्यों और फिर हम आगे इसको यूज कैसे करें। अब आप जैसा जानते हैं हर प्लैनेट है, जैसे केतु एक प्लैनेट है तो उसकी एक डिग्री होगी, तो केतु इज इन जुपिटर नक्षत्र एंड मार्स सब लॉर्ड। ये हमने बनाया था कि अगर प्लैनेट की डिग्री पता तो उसका नक्षत्र सब लॉर्ड हम कैसे निकालेंगे। फिर केतु हो गया, केतु के बाद है हमारा वीनस, नक्षत्र इज मून, सब लॉर्ड इज मार्स। इसके बाद और प्लैनेट ले लेते हैं जैसे सन, नक्षत्र इज मून, सब लॉर्ड इज राहु, मून इज प्लैनेट, मार्स इज नक्षत्र, सब लॉर्ड मार्स, और इन नौ प्लैनेट के नक्षत्र हैं और सब लॉर्ड। अब ये हमने लिख लिए, तो अब पहले हम क्या करते थे, जब हम प्लैनेट के रिजल्ट्स बताते थे कि प्लैनेट कहाँ पर बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, कौन से नक्षत्र में, कौन से हाउस में बैठा है और कौन से हाउस का लॉर्ड है, तो हम यहीं से लेते थे। अब हमारा डिफरेंट हो जाएगा एडवांस में कि जैसे ये वीनस है, वीनस कहाँ बैठा है, ये फोर्थ नहीं लेंगे, अब हम थर्ड हाउस लेंगे। वीनस इज प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 1 and 8, ये 3, 1, 8 लेंगे। सन इसका लियो साइन है तो ये 11th हाउस और थर्ड इसकी पोजिशन होगी 3, 11। मून हो गया तो मून प्लेस्ड इन द 11th हाउस लॉर्ड ऑफ द 10, 11। मार्स फर्स्ट हाउस एंड 2 and 7, राहु छोड़ देते हैं, जुपिटर हो गया 8th पोजिशन होगी, लॉर्ड ऑफ 3 and 6, सचन 4 and 5 एंड प्लेस्ड इन दी 12th हाउस, मर्करी लॉर्ड ऑफ 9 and 12 प्लेस्ड इन 3rd हाउस, हो गया 3, 9, 12। अब उसके बाद ये जो प्लैनेट्स हैं वो हम एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे नक्षत्र ये मून है तो मून हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 10, 11, यहाँ लिख देंगे 10, 11, तो जहाँ जहाँ मून है वहाँ 10, 11 या 10, 11 लिख देंगे। जुपिटर जहाँ जहाँ है वो हम 3, 6, 8 लिख देंगे। अब राहु केतु रहे, राहु केतु समझने वाले हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बट क्लरिकल काम डिफरेंट टाइप जैसे हमने पहले किया था, समझाया मैंने पहले भी कहा, अब थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो इसमें क्या है, राहु एंड केतु गिव रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, दे आर नंबर 1
conjoined with aspected by Lord of Sign and fourth is placement. ये अब समझने वाली चीज है कि राहु जो है वो हमने देखना है कि कौन से कौन कौन सा प्लेनेट है उसको साथ में मिलता है, जैसे राहु है। ये अब यहाँ नहीं देखना है, अब यहाँ देखना है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि कंजंक्शन आर फ्रॉम साइन टू साइन, इस तरह से सेकंड पॉइंट भी एस्पेक्टेड बाय एस्पेक्ट इज आल्सो फ्रॉम साइन टू साइन, एंड ये थर्ड पॉइंट है लॉर्ड ऑफ साइन, कौन से साइन में बैठा, दैट आल्सो वी हैव टू सी इन साइन। तो फोर्थ पॉइंट आर वी विल सी फ्रॉम जेनिथ। अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको कैसे करना है। राहु जो है सन मरकरी वीनस के साथ ये कंजॉइन, तो हम लिख देंगे अगर राहु का हमने रिजल्ट देखना है तो ये सन मरकरी और वीनस के साथ कंजॉइन है। और देख कौन रहा है इसको, कौन सा प्लैनेट देख रहा है, 7, 8, 9 जुपिटर इज एस्पेक्टेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मार्स इज ऑल्सो एस्पेक्टेड 1, 2, 3, 4 तो एस्पेक्ट हो गया मार्स और जुपिटर। कौन से साइन में बैठा, ये कैप्रिकॉन साइन है तो इसका लॉर्ड कौन है सच है, और इसकी जो पोजीशन है राहु की वो 3 है। अब कितने प्लैनेट के रिजल्ट देने का क्या मतलब हो गया, हमें यहीं से देख लेना है। सन है, ये सन 3-11 है, तो ये इसमें 3-11 है। मरकरी 3-9-12 है, वीनस 1-3 है, मार्स 1-2-7 हो, यहाँ से लीजिए मार्स 1-2-7, जुपिटर 3-6-8, सैटर्न 4-5-2, पोजीशन 3। तो इसका मतलब राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस हाउस, ये सारे जो ये सारे जितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ये राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ 11 हाउसेज। इधर लिख देंगे राहु का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12। अब केतु का देख लेते हैं, सेम वे केतु का देखेंगे तो केतु जो है उसकी कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन किसके साथ है, केतु किसी के साथ नहीं है। एस्पेक्ट कौन कर रहा है, सन मरकरी वीनस, और सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है सन मरकरी वीनस, कौन से साइन में, मून के साइन में, कंजॉइन ले लिया एस्पेक्टेड बाय लॉर्ड ऑफ साइन ले लिया, और प्लेस्ड कहाँ पर है वो ध्यान रखेंगे 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो केतु का जो लेंगे रिजल्ट ये सैटर्न का ले लेंगे, सैटर्न क्या है 4, 5, 12, सन इज 3-11, मरकरी इज 3-9-12, वीनस इज 1-3-8 और मून हो गया 10-11। तो केतु के रिजल्ट डिफरेंट आ जाएंगे 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 8, 1 एक ये हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो जहाँ जहाँ भी होगा हम ये लिख देंगे, ये तो 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 8। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट राहु एंड केतु। अब जो आगे से हम कहेंगे करेंगे जो प्रिडिक्टिव हिंदू एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्टिव पार्ट में जाएंगे तो लगन और निर्णय भाव चित्र बनाएंगे और प्लेनेट के नक्षत्र सब लॉर्ड निकालने के बाद उनके हाउसेज हम चलित से हेल्प लेके बनाएंगे। तो
रिपीट कर लेता हूँ, जो चीज इम्पोर्टेंट है इसमें पे वो ये है कि पोजीशन एंड लॉर्डशिप हैज टू बी टेकन फ्रॉम द चर्च, जैसे मार्स यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, मून भी होगा यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, जैसे मून हो गया 11 पे बैठा 10 पर लॉर्ड है तो ये हो गया 10-11, इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 10-12, लेकिन हम लेंगे 10-11, तो सारे प्लैनेट ऐसे लेंगे, जैसे सन है 3 and 11, यहाँ होता तो लेते हैं 4 and 11, 4-11 नहीं होगा, ये 3 और 11 हाउस के लेते हैं। इस तरह राहु केतु के लिए कंजंक्शन एस्पेक्ट लॉर्ड ऑफ सेंट कृष्ण, तो राहु केतु किसके साथ कंजंक्ट है, यहाँ से देखना एस्पेक्टेड बाय यहाँ से देखना लॉर्ड ऑफ सेंट, यहाँ से होता है लगन चार्ट से, और जो प्लेसमेंट है दैट टाइम्स वी हैव टू सीन फ्रॉम द नारायण पाचे, तो ये इस तरीके से आगे करना है। और आगे जब प्रिडिक्शन में जाएंगे तो फिर हम इसको इसी तरीके से यूज करेंगे हाउसेस को। रिजल्ट्स के लिए नीचे देखना, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखेंगे इस तरीके से, बनाएंगे हॉरोस्कोप को इसी प्रकार से। सर एक मिनट, विश्वजी सर, सर जी, विश्वजी आज कैमरा हैंडल कर रहे थे तो कान में वो डाला हुआ, म्यूजिक सुन रहे, उनको समझ नहीं आ रहा।